दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज 28 मार्च को पूरी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की और रिमांड की मांग की थी। हालांकि केजरीवाल ने इसका विरोध नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि उनके वकीलों ने ईडी के उस ग्राउंड का विरोध किया जिस आधार पर ईडी केजरीवाल की रिमांड मांग रही थी। हालांकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर दिया है। नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है, और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए है वो हम अपोज कर रहे हैं। इन ग्राउंड पर रिमांड नहीं होना चाहिए। हमने हालांकि कंसीड किया, उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहते थे। ईडी को तो तकलीफ होगी ना, जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के सामने कई ऐसे तथ्य है, कई ऐसे गवाहों के बयान आए जो हमारे समर्थन में थे, लेकिन ईडी ने सिर्फ उन्हें पेश किया जो विरोध। ऐसे तो बड़ी बातें कही हैं, आज के दिन तो उतने रेलेवेंट नहीं है। आपको रिमांड को लेकर क्या लगता है, ग्राउंड क्या बताया ईडी? नहीं, अब तो जब हमने कंसीड ही कर दिया, केजरीवाल ने कंसील कर दिया, तो पुलिस रिमांड तो कोर्ट देगा ही। क्या ईडी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई कि 6 दिनों के दौरान क्या कुछ पूछताछ हुई? अब वो लिखा है उन्होंने, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या किया। इस दौरान केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने सबसे पहले ईडी अफसरों को धन्यवाद दिया और कहा कि ये केस चलते चलते 2 साल हो गए हैं, मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए, आप इन दोनों को साथ में भी पढ़ लीजिए, मुझे क्यों गिरफ्तार किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो आप लिखित रूप में क्यों नहीं देते। इस पर केजरीवाल ने कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम 4 जगह आया है, एक सी अरविंद है, उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए, मेरे घर रोज विधायक आते हैं, क्या ये स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। केजरीवाल एक और गवाह राघव मुंगटा के बयान का हवाला दे रहे हैं। इस मामले में लोग गवाह बन जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। केजरीवाल के इस बयान का ईडी ने विरोध किया, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देंगे। उसके बाद केजरीवाल ने फिर बोलना शुरू किया और कहा कि ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। 3 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया, ऐसा क्यों, ये सही नहीं है। एक और गवाह के 7 बयान दर्ज किए गए, 6 में मेरा नाम नहीं है, जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है। अगला है शरत रेड्डी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं। 1,000 पेज ईडी के दफ्तर में हैं जो हमारी बेगुनाही को साबित करते हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता है। 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो पैसा कहाँ गया। असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जाँच के बाद। ईडी के 2 मकसद थे, 1 आम आदमी पार्टी को खत्म करना और पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना, इसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। शरत रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन भाजपा को दिया, मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल साबित हो गई है। उसने गिरफ्तार होने के बाद भाजपा को 50 करोड़ दिए। इस पर ईडी ने अपनी आपत्ति जताई और कहा कि इस मौके पर क्या ये बातें कोई रिलेवेंस रखती हैं। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, जितने दिन चाहें वो मुझे कस्टडी में रख लें, पर ये घोटाला है। हालांकि ईडी ने ये भी कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि इस आदमी ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी, अगर किसी को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है तो ये जांच का विषय है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।